काय बुल्लन का क्या भैंस गिन की अपनी है काय है बहुत बढ़िया हमें जा लगा था मामला शांत हो बात तो तुम ठीक का तो हमें जा लगा लड्डू प्रसाद भी मर गओ जाके कोई आवाज ना आए रही ठीक कह रहे चलो घरे चलो बाबूजी बोतल भी नहीं लगी बाबूजी कहाँ चले गए लड्डू प्रसाद बाबूजी ओ लड्डू प्रसाद बाबूजी लड्डू प्रसाद यार फूफा बाबूजी कहाँ चले गए यार ले जो सोच रहे थे वो ही भाव का क्या मर गए तुम्हारे बाबूजी और का मरे गए और का हाँ सही कह रहे फूफा जी हमें लगा था आत्मा के साथ साथ उनको शरीर चले गए सिर रही हूँ रहेगा का शरीर नहीं ऊपर जात खाली आत्मा जात हाँ तुम्हारी बात तो ठीक है का ये तो मोटो ताजो आदमी कैसे हवा मोड़ लिए अब फूफा आप जा बताओ ये तो घर बार और खेती बाड़ी कैसे संभाले हैं बताओ तो तुम परेशान काहे हो रहे हम हैं एक एक करके सारी भिजवाए हैं अरे भुल्लना का है अरे तुम्हारे बाबूजी को पुलिस उठाई के ले गई पुलिस ले गई निरा पटे बज रहे उनके पिछाड़ी लाल कद्दई जाबो छुड़ा के लावा उनको अरे यार बाबू फूफा फूफा तुम यार झूठ बोल रहे थे का भी हो अरे बाबूजी मरे ना ये बाबूजी को पुलिस पकड़ के ले गई है पुलिस पकड़ के ले गई हाँ उन पे निरोपटा बज रहे उनकी गलेरी लाल कद्दई परेशान काहे हो रहे चुटकियों में छोड़वाए हैं चुटकियों में अच्छा चलो तुम तुरंत थाने चलो आओ फूफा मैं हमारे बाबूजी छुटवा पे हो कि नहीं छुटवा पे हो बताइए सही सलाम साहब भाई कहाँ चलो जा रहे घुसत वो अरे लड्डू प्रसाद को छुड़ाने आए हैं पकड़ ले गए साहब साले हैं अभी हमारे और हमारे बाबूजी हैं अच्छा तुम दो जने आए हो का है और कोई बात का कोई और रिश्तेदार लाल पत्र का रिश्तेदार नहीं तुम जमानत के लिए वकील की लाए या ना लाए ऐसे मुंह उठाए चले आए वकील तो नहीं लाए फूफा यार अब जब वकील का बीच में घसीट रहे एक तो गांव बैठे वो इज्जत नहीं है और जो थाने वकील को बुलाए लियो जो पूरे गांव गाय दे के थाने मारपीटी हमारी बाबू जी की तुम मुल्लन टोपा टोपा रही हो का बा वकील की बात नहीं हो रही जो तुम्हारे गाँव में है तो फिर अदालत वाले वकील की बात हो रही बाको लाने पड़े है बेछ रहे तुम्हारे बाबू जी को अच्छा अदालत वाले वकील और का तो फिर ये कहाँ भी कहता है अरे हमें मालूम है कहाँ भी चलो हम दिल में चले आओ चलो 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 जल्दी चलो अरे क्या बात अरे वकील साहब हमारे बाबूजी को पुलिस पकड़ ले गई है पुलिस पकड़ ले गई हाँ। किस जुर्म में अरे कोई बात नहीं वो गांव में थोड़ी आपसी रंजिश भाई बाकी चक्कर है मारपीट तो हमारे सारे लड्डू प्रसाद उन्हें पकड़ ले गई पुलिस अरे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अरे जब बताओ आप केस लड़ लियो कि नहीं लड़ लियो कलुआ गिरोह सुल्ताना डाकू गब्बर सिंह हम ही ने रिहा करवा हुआ है हाँ और रही बात तुम्हारे बाबूजी की उन्हें भी हम रिहा करवा देंगे हाँ वो बात अलग है कि हमने इनसे अपनी फीस के 60-60 हज़ार रुपए लिए 60-60 हज़ार हाँ तो का हमसे भी लियो का क्यों हमको गनपोरा समझ रखा क्या फूफा इतने रुपया कहाँ से लियो बाकी टेंशन ना लो हम इंतजाम करिए चलो आप चलो तुम चलो हम इंतजाम चलो बाबूजी को बचाने जरूरी ठीक है चलो कहाँ चलियो कार कहाँ है अरे साइकिल खड़ी है बा साइकिल चलन पड़े हाँ कार अरे वकील साहब हमारे बाबूजी छुट तो जाए लल्ला तुम टेंशन ना लो कागज सब रेडी है दिखाएंगे तुम्हारे पिताजी बाहर आ जाएंगे तो ठीक है अरे अबलदार साहब जी हमारे वकील साहब आए जय हिंद साहब जय हिंद वकील का कागज पे तो उठाए लगा क्या बात कर रहा साहब पिताजी कहाँ इनके लड्डू प्रसाद अंदर है ठीक चलो ए तू कहाँ जा रहा चल इधर बैठ पता कहाँ बोल रहा है हमें नहीं मालूम साहब हमें नहीं मालूम साहब जैसे नहीं बताएगा हवलदार लगाओ इसके रुको हम घूम जाए अरे बुल्ला मार डरो ओ बुल्ला बुल्ला तेरे अरे बुल्ला बचाओ जैन साहब जैन
हवलदार रुक जाओ साहब, ये लड्डू प्रसाद के जमानत के कागज। अरे साहब भैया कौन से तुमने इसे मारा, कौन सी डिग्री अपनाई इसके ऊपर? छत्तीस डिग्री। ये सब तो ठीक है, इनकी जमानत तो हो जाएगी। साहब कम मारो करो, बहुत मारता आप, दर्द होते पीछे। अरे जब तो बहुत कम मारो हमने, जब तक तुम्हारे वकील आए गए तुम्हारी गांठ जहमती कर दे तुमने अवलो सुझाई। बात कर रहे कम मारा। पहले ये बताओ बुल्लन कहाँ है, जो हमारी टीम को चकमा दे के गया है, उसे बुलाओ पहले। अरे साहब बुल्लन तो बाहर बैठा है, अभी बुला के ला रहा हूँ उसे हम। बुल्लना कहाँ बुला जा रहा? अरे बुल्लना गांठ सूची जहमती हुई पटा पड़ी अब पटा। साहब एक टाइम को हमें दियो बुल्लना को मारने का, हम सारे बिछाई दी है नहीं। आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा तेरे चेहरे पे। पता नहीं कहाँ भूबा रहेगा यार, अब तक नहीं बाबू जी ना छूटे जाने का। अरे आएगा भूबा, छोड़ जाओ। अरे कुछ नहीं, वकील साहब अंदर गए हैं, बातचीत हो रही है छोटे। अच्छा अच्छा चलो सही बात है। पैसा का इंतजाम हो? पैसा को इंतजाम होगा, बाकी टेंशन। अरे बुल्लना चलो, दरोगा साहब बुला रहा हूं तुम्हें अंदर। दरोगा जी का बुला रहा है? एक तो सवाल करिए जाओ। अरे यार आओगे जमानत करवाओ कि नहीं? अरे फूफा फूफा जा जा जा, परेशान ना हो कुछ नहीं। तेरे साहब बुल्लना। अच्छा तुझे है बुल्लन। अरे बाबूजी 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 हट बैठ के लेने आए थे। क्या कर रहे हो दरोगा जी? दरोगा जी बहुत मारो साहब ने, हम तुम्हारे दर्द समझ सके देंगे। ये बुल्लना तू बाहर जा। आ बताओ खर्चा निकल जात? अरे खर्चा से कहाँ चल लो यार, मध्य तो भरपूर चल लो। ब्याह हुई है रंडुए आओ। अरे रंडुए आए यार ब्याह। अच्छा, आई गई हमने तुमसे पहले कही थी, एक दो सवाल पूछे हूँ, ज्यादा से ज्यादा का हुई है? दो ये चार पूछे बताइए हमने तुम्हें पहले। साहब फूफा और रह गए उन्हें और बुला लियो तुम। वकील साहब इसके फूफा को बुला, बुल्लना के। ठीक है बुला के ला रहा हूं। ओ बुल्लन के पापा बताओ। चलो दरोगा साहब बुला रहे हैं। तो हमें 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 काय बुला रहे? कुछ नहीं बस दो चार सवाल पूछे। अरे हमें काय बुला रहे? जाओ भूपा दो चार सवाल पूछे हमने पूछे। अरे बुल्लन ए बुल्लन रे। अरे ये रहे साहब, क्या क्या हुई साहब, क्या कर रहे हैं, काय पकड़ रहे? अरे 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 साहब क्या कर रहे हैं? अरे साहब क्या कर रहे हैं, पट्टी काय बांध रहे साहब? अरे साहब पट्टी काय बांध रहे? आ जाओ। अरे साहब तुम काय? अरे बुल्लन अरे बुल्लन आ जाओ साहब। अरे साहब अरे साहब क्या कर रहे हैं? अरे साहब अरे बुल्लन दो चार ही सवाल पूछे बस, कोई पूछे हुई पहले कह नहीं बताई, इंदर इतनी मार पड़ रही। लड्डू प्रसाद की जमानत हो गई है, लिए जाओ। ठीक है साहब। ए लड्डू चलो मामो जाओ ना, कहीं खड़े नहीं है यहीं पे। चलो जो मात देखना है सके तूने। देखो देखो बस जय लड्डू प्रसाद का नहीं पता, मैं नहीं समझ में आता है। तुमने सालों ध्यान में देखा जाओ, तुमसे 150 बराती का 57 बुलाए तुमने, पता नहीं नंबर फंसी बाद 57 की। सोच के लिए एक लोटा मांगो बाद से आज तक ना दे पाए। बात है 14 दिन खड़े भाई। अरे तुम्हें मालूम है फूफा झुठा को मैं अकेले फूफा ने। अच्छा जा ले रुपया रखो। अच्छा मैं बचाने के लिए रुपया कहाँ से आए? रुपया कहाँ से आए? आम खावा गुठलियाँ मत गिनो करे। ठीक कल्लन हमने बहुत गलत भली कही दी तुमसे, आओ बैठो आओ बैठ जाओ। दे ले 500 रुपया 2 किलो मुर्गा ले के और कल्लन की दावत कर डर। अब दावत हुई बढ़िया करके इंतजाम करो दावत को जाके। बाबू जी हाँ कहाँ जा रहे? अरे वाह कल्ले की भैंसिया भूखी बंदी भाई, थाने पानी कर दे यार।
अरे अब सानी पानी करने की जरूरत नहीं है। काय? अरे बा भैंसिया तो हमने और फूफा ने बेच दी। भैंसिया तूने कहा बेची? अरे तुम्हारी जमानत के लिए बेची, पैसा कहाँ था? तो ले जो धीरे धीरे सब बिकन लगो, जब कलना सब बिकवा डरी। क्या कलना धीरे धीरे तू सब बिकवा दी, हमारो सब घर और सब बिकवा दिया। तूने कहा भैंसिया बेची? हाँ बता, तूने कहा भैंसिया बेची? तू चुप हो, बैठ। कहाँ बेची?